दसवीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप जाने से पहले देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप पेपर में आ जाएं। बाद में मत कहना कि क्वेश्चन नहीं फंसे थे, इंपॉर्टेंट हैं। पहले बता देता हूँ, चांसेस ज़्यादा आने के हमको मिले तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप तैयार एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते पेपर का ही क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लेना जाने से पहले जरूर एक बार। पहला होगा नाटक एकांकी में अंतर, जल्दी इसको देख लो आप जल्दी से। छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार, इसके प्रकार बताना है आपको, ठीक है। फिर है भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की, तो इसका उत्तर है रहा आपके सामने, ठीक है। इसका उत्तर भी आप लिख लेना, इनको दो मिनट टाइम का देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया ना। फिर कोरोना वायरस पर संवाद लिखना है या दीपावली पर, तैयार कर लो ना, दीपावली या कोरोना वायरस पर संवाद, ठीक है। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्यिक परिचय देना है आपको, ठीक है ना। रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान, प्रचार को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है आपका, छुट्टी के लिए, ठीक है, या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र है। जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, ये हो गया आपका, देख लीजिए जल्दी से। टीसी का आवेदन पत्र होगा ना, टीसी का, ठीक है, जल्दी आप इसको देख लो, हो सकता है कि पेपर में आ जाए तो जल्दी तैयार कर लें, ठीक है ना। बाकी बाद में मत कहना कि नहीं आया था, क्योंकि मैं पहले बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे भी मिले हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से आप इसको लिख लो, ठीक है, बाद में कोई कमेंट नहीं करना कि सर नहीं फंसा था, पहले बता देता हूँ मैं। फिर आपका ऐसे हो जाएगा विज्ञान का चमत्कार, ऐसे इसको जल्दी देख लो आप लोग। ठीक है, ये आपका विज्ञान खो गया ना। इसके बाद पूरा वो है, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आपका जीवन परिचय हो गया ना आपका, तो यहाँ से आप इनकी क्या करेंगे, दो रचनाएं, ठीक है ना, क्या लिख लेना आपको, दो रचना लिख लेना आप, ठीक है। साहित्य में स्थान आपको लिख लेना, भाषा शैली, ठीक है ना, आपकी इसको लिख देना है और भाषा शैली कर लेना, ठीक है ना। फिर एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले लो, इसका एक बार जल्दी से आप स्क्रीन शॉट ले लो, इतना कर लेना है आपको, ठीक है, ये आप कर लो, फिर आप इसको कर लो, ठीक है। फिर आप ये पद है ना, इस पद को जरूर आप करके जाना है, ठीक है, एक बार इसको देख लेना ध्यान से, इसको देख लो एक बार, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी मिले हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से, ठीक है, इसको आप कर लो, हो सकता है पेपर में आपके आ जाए, है ना। छंद के प्रकार है आपका, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार, ठीक है। इतने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं तो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार जांच पर देख जरूर लेना इसको, छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर।